जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आज हम एक और नए वीडियो के साथ आए हैं। यह है भौतिकी का न्यूमेरिकल। तो क्वेश्चन मेरा यह है कि एक वस्तु विराम अवस्था से प्रारंभ कर 5 सेकेंड के लिए 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के समान त्वरण से चलती है और 5 सेकेंड के बाद वस्तु का वेग और विस्थापन ज्ञात करें। यानी अगर आप आरएससी ग्रुप डी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और अभी आपका एग्जाम है, तो इस तरह का अगर क्वेश्चन अगर आपको मिलता है तो उसको आप पढ़ जाइए, क्योंकि अभी के एग्जाम में जो साइंस में क्वेश्चन है ऐसा ही पूछा जाएगा। तो इसको एक आधार मान के आप लोग तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। यानी कोई वस्तु विराम में है, विराम अवस्था में है, और वह प्रारंभ किया 5 सेकेंड के लिए। यानी प्रारंभिक जो वेग है वह आ जाता है 0। तो प्रारंभिक वेग को बोलते हैं यू। तो यू बराबर जो होता है 0 5 सेकेंड के लिए। यानी समय जो है दिया गया है, यू को साफ से कर देते हैं, समय दिया गया है कितना, तो 5 सेकेंड। 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के समान त्वरण से, तो त्वरण बराबर हो जाता है 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब हमसे पूछा जाता है 5 सेकेंड बाद वस्तु का वेग और विस्थापन। यानी 5 सेकेंड के बाद, यानी प्रारंभिक वेग 0 है, तो अंतिम वेग को हम बोलते हैं v। तो हमसे पूछा जाता है अंतिम वेग v और विस्थापन जिसको बोलते हैं s, ये पूछा जाता है। तो हम जानते हैं यह अंतिम वेग v, तो v बराबर फॉर्मूला होता है u+at। v बराबर क्या होता है, u+at, ये फॉर्मूला है। और s बराबर में, यानी विस्थापन बराबर में होता है ut+2@t². ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो जाता है s बराबर में। तो हम जानते हैं v जो है अंतिम वेग, u जो है प्रारंभिक वेग, और a होता है त्वरण, और t से होता है समय। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को जान गए, अब आते हैं प्रश्न पर। तो प्रश्न में पूछा जाता है वेग और विस्थापन। तो वेग का फॉर्मूला है v = u+at, यानी v = u। तो u का वैल्यू जो प्रारंभिक वेग है 0+a, तो a बराबर है 2, तो 2 लिखेंगे, और इसके बीच में गुना छुपा हुआ है, यानी t का वैल्यू है, समय जो है 5 दिया गया है। यानी v = 0 और जोड़ 5 × 2 = 10, यानी 10 मीटर प्रति सेकेंड, जो 10 मीटर आ जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे। तो अब आता है दूसरा चीज़ है विस्थापन। तो विस्थापन का फॉर्मूला है s = ut+2@t² होता है। तो s बराबर में हम निकालेंगे u, यानी u का मान जो दिया गया है 0, ut गुणे t का वैल्यू है 5, तो यहाँ 5 लिखेंगे, +2 यानी 1/2 गुणे at² तो a का वैल्यू है 2 और t का वैल्यू है 5, यानी 5 का स्क्वायर करेंगे हम। अब हम इसको करेंगे 0 से गुना करेंगे, तो 0 आ जाता है, 1/2 × 2 × 5² करेंगे तो 25 आ जाता है। 2 से 2 कट गया, बराबर में आ जाता है 25, यानी विस्थापन जो है 25 यानी मीटर में आ जाएगा।